हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका नया वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेशनल क्रिकेट। फ्रेंड्स, आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स को लगा है तगड़ा झटका। इनके प्रमुख खिलाड़ी आईपीएल 2022 से चोटिल होकर हो चुके हैं बाहर। फ्रेंड्स, वही बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। फ्रेंड्स, वही बात करेंगे आईपीएल 2022 में कौन सी वो चार टीमें होगी जो प्ले ऑफ्स में जाने वाली है। फ्रेंड्स, वही बात करेंगे इस वीडियो में मिचेल मार्च का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया गया है। सारी चीज़ आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं आईपीएल और क्रिकेट के बड़े फैन तो प्लीज़ नेशनल क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आईपीएल 2022 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से हराया, वहीं दिल्ली कैपिटल को लगा है तगड़ा झटका। इनके प्रमुख ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श हिप इंजरी की वजह से आईपीएल 2022 से बाहर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मिचेल मार्श एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनकी भरपाई करना दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में इन पर काफ़ी बड़ी बोली लगाकर मिचेल मार्श को दिल्ली कैपिटल्स में अपनी टीम में लिया है। लेकिन दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी ने इनके रिप्लेसमेंट के रूप में श्रीलंका के कप्तान और ऑलराउंडर दशुन सनका को टीम में शामिल कर लिया है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट इस पर आई नहीं है, जैसे आएगी नेशनल क्रिकेट पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें टीम इंडिया के खिलाफ दशुन सनका ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स अब मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट के रूप में दशुन शनका को शामिल करने जा रही हैं। फ्रेंड्स, वहीं बात करें आईपीएल 2022 का पांचवा मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। कुल मिलाकर दोनों ही टीमें आईपीएल 2022 का आगाज आज से करने वाली हैं, जो कि एमसीए क्रिकेट स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, वहीं बात करें राजस्थान रॉयल्स की, आज की कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली, जोस पटर और देवदत्त पड्डीकल निश्चित रूप से ओपन करने वाले हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बात करें संजू सैमसन विकेट कीपिंग के साथ कप्तानी करेंगे नंबर 4 पर। वहीं नंबर 5 पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर। वहीं नंबर 6 पर राशि वंडरजूसन या डेरिन मिचेल किसी एक को मौका मिलेगा। वहीं बात करें रियान पराग बेहतरीन ऑलराउंडर और बल्लेबाज हैं जो कि हमें खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बात करें रविचंद्र अश्विन और युजवेंद्र चहल के हाथों में स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट के हाथों में होगी। कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार 2022 आईपीएल में सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है और लगभग कंफर्म कहा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई करेगी। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11 की बात करें तो अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ओपन करेंगे। वहीं नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम, नंबर 4 पर राहुल त्रिपाठी जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। वहीं निचले ऑर्डर में निकोलस पुरन के साथ अब्दुल समद बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मैरको जेनसन होंगे। वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार उमरान मलिक और टीम नटराजन के हाथों में होगी। वहीं बात करें प्रमुख हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के मुताबिक आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर और पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताइए कि आईपीएल 2022 में चार टीमें कौन सी होगी जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी। फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2022 की पल पल अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जय हिंद, जय भारत।